अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स Prep चैनल में आपका स्वागत है वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 29 अगस्त को घटित हुई थी वी शैल डिस्कस ऑल दी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स इस डिस्कशन के बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो ध्यान से इस डिस्कशन सुनिएगा ताकि आप डिस्कस किए गए सारे अभ्यास प्रश्नों के सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख पाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विद 1887 इंडियन पॉलिटिशियन जीवराज नारायण मेहता वाज बोर्न भारतीय राजनेता जीवराज नारायण मेहता का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 29th अगस्त 1887 में जीवराज नारायण मेहता का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अमरेली में हुआ था इनके पिता थे नारायण और जामक बेन मेहता इनकी माता ये भारत के सर्व प्रसिद्ध राजनेता थे और एक फिजिशियन भी थे ही ब्रीफली द पर्सनल डॉक्टर टू महात्मा गांधी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था उन्हें गांधी जी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दो बार कैद किया गया था सर्व एज द फर्स्ट दीवान और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अर्ट वाइल बरोडा स्टेट इन फ्री इंडिया चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात 1963 और 1966 के 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 बीच में के के में इन्होंने यूनाइटेड किंगडम इंडियन हाई कमिश्नर रूप भी कार्य निभाया था। फाउंडर ऑफ किंग एडवर्ड सेवन मेमोरियल हॉस्पिटल विच इज इन मुंबई दिस फेमस पॉलिटिशियन पास अवे ऑन द सेवेंथ ऑफ नोवर नाइन सेवन अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो है 1905 फेमस इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर ध्यानचंद बोर्न मशहूर भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म हुआ था ध्यानचंद भारत के सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन है इनका जन्म हुआ था अलाहाबाद में जो वर्तमान प्रयागराज है इनके पिता थे समेश्वर सिंह और मा था शारदा सिंह

In the Olympics the Indian team won gold defeating their opponents by huge margins this was country's first gold medal in the 1928 Olympics Dhyan Chand netted many goals and the international newspapers described him as the magician of hockey in the next Olympics which was held in Los Angeles in the USA in the year 1932 the Indian team repeated their stellar performance of 1928 and yet again won gold. Dhyan Chand along with his brother Roop Singh scored 25 out of the 35 goals that India had scored. This led to them being nicknamed as hockey twins. 1934 mein inko Indian hockey team ka captain banaya gaya tha. In the Berlin Olympics of 1936

After retirement, Dhyan Chand assumed the role of a coach for many years. In Ko Bharat Sarkar Dwara Padma Bhushan se hai. Dhyan Chand is considered the greatest hockey player of all the times. 3rd December 1979 may inka Nidhan ho gaya. However, please remember that his birthday, that is the 29th of August, is celebrated as National Sports Day in India since the year 1995.

now let us move on to the next topic of discussion for today, which is 1947. constitution drafting committee was appointed. Ka niyukti ki thi aaj hi ke den. on the 29th of august 1947, the drafting committee of indian constitution was appointed. the constituent assembly set up 13 committees for the framing of the constitution, including a drafting committee. drafting committee mein 7 members. The. उनके नाम हैं अलाडी कृष्ण स्वामी अयर एन गोपाल स्वामी बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी के एम मुंशी मोहम्मद सादुला, बी एल मिट्टर एंड डी पी खैतान इन सारे मेंबर्स के नाम याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मसौदा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है

ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न तेलुगु लिंग्विस्ट्स एंड सोशल विजनरीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इनका जन्म हुआ था 29th ऑफ अगस्त 1863 में और इनका जन्म दिन तेलुगु दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्म हुआ था श्रीकाकुलम के पर्वतालपेटा में जो वम्स धारा रिवर के पास है और ओडिशा के बॉर्डर पे स्थित है Kedugu Venkata Ram Murthy championed the cause of using a language that is comprehensible to common man, which is understandable by common man, which is also known as Vyavaharika Bhasha, as opposed to the scholastic language or the Grandika Bhasha. Please note that the British government conferred on him the title of Rao Sahib, and this was not for the loyalty to the British crown, but for his service to the Savaras and to the Telugu language. 1933 में इनके सर्विसेज के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनको कैसर ए हिंद मेडल का टाइटल भी दिया गया था और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना होगा वो है द तेलुगू लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हिज बर्थडे दैट इज ट्वेंटी तेलुगू इज अ द्रविडियन लैंग्वेज दिस स्पोकन बाय तेलुगु पीपल ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व ऑन ऑफ एवरी ईयर इस इंटरनेशनल डे को किया गया था 2 दिसंबर 2009 में एट द सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिस डे कॉल फॉर द इनक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एंड द नीड टू सीज इट्स यूज It aims at achieving the goal of a nuclear weapon-free world. Following the establishment of the International Day Against Nuclear Tests, all the state parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons committed themselves to achieve peace and security of the world without nuclear weapons. This resolution was initiated by Kazakhstan. Dwara.

Practice question number one, whose birthday is celebrated as the Telugu Language Day? किसका जन्मदिन तेलुगू भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? Option A भद्रेराजू कृष्णमूर्ति, Option B पोटी श्री रामुलु, Option C पद्धाबी सीतारामयya, Option D गिरुगु वेंकटराममूर्ति. Practice question number two, which famous sports person's autobiography is titled Goal? Goal किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक है ऑप्शन ए धनराज पिल्लई ऑप्शन बी ध्यानचंद ऑप्शन सी ऊर्धम सिंह ऑप्शन डी बलबीर सिंह सीनियर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात गुजरात का पहला मुख्यमंत्री कौन था ऑप्शन ए जीवराज नारायण मेहता ऑप्शन बी जयाबेन शाह ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता ऑप्शन डी हितेंद्र के देसाई राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन ए सिक्स ऑफ अप्रिल ऑप्शन बी थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ऑप्शन सी ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट या ऑप्शन डी ट्वेंटी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फाइव Which country initiated the resolution for establishment of the International Day Against Nuclear Tests? किस देश ने परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस की स्थापना के लिए संकल्प की शुरुआत की ऑप्शन ए कजाकिस्तान ऑप्शन बी जापान ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी रशिया विद दिस क्वेश्चन वीव कम टू द एंड ऑफ डिस्कशन मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो इफ यू डू लाइक दिस सेशन इस वीडियो को लाइक करे और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करें कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन रोज बायजूस के साथ कुछ नया सीखे थैंक यू फॉर बींग कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग